जय हिंद। आज MTTV इंडिया का कौन बनेगा मेयर शो पहुंचा है वार्ड नंबर 13 में, और वार्ड नंबर के 13 के पार्षद भरत धौकड़िया से हम लोग यहां मिलेंगे, उनसे जानेंगे और साथ ही साथ इस वार्ड के वार्ड वासियों से जानेंगे कि पिछले 5 साल कैसे रहे वार्ड पार्षद के, क्या क्या कमियां रही, क्या क्या खूबियां रहीं, क्या उन्होंने कार्य किया, क्या कार्य नहीं किया, ये सब बातें हम जानेंगे वार्ड वासियों से। वार्ड वासियों के दिल का हाल जानेंगे, हम ये पता करने की कोशिश करेंगे वार्ड वासियों से कि किस तरह से उन्होंने, जो यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने काम करा, कितनी सफाई रखी और गलियाँ जो थी, सड़कें जो थी, वो किस तरह से बनाई, किस तरह से उन्होंने काम करा। हमारे साथ एक वार्ड वासी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने किस तरह से काम करा। भैया, 5 साल में जो आपके पार्षद है भरत जी, उन्होंने किस तरह से कार्य किया है? सर, हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वो लोग आते नहीं, दिखते नहीं है, कहाँ नज़र ही नहीं आते। बस खाली चुनाव के टाइम था, अभी नज़र नहीं आते भरत जी। तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, उन्होंने नज़र नहीं आ रहे, पर अगर उनका कार्य का स्तर देखेगी, सफाई वगैरह और नालियाँ वगैरह बनाना और दूसरे काम को, वो किस तरह से करते हैं? मतलब हमें भी, हमारे जो कांग्रेस वाले बड़े नेता, उनको कहना पड़ता है, बाकी पार्षद तो कुछ सुनता ही नहीं है हमारे लोगों की। आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते आपके पार्षद? और तो अगर आप उनके पास जाते हैं, अगर आप खुद ही उनके पास जाते हैं, तो उस समय क्या स्थिति रहती है? क्या वो कहते हैं कि चलो आप चलो, मैं आपको दोबारा मिलकर ये कार्य करा दूंगा, बस बाकी दोबारा पता नहीं पड़ता कब आए कब नहीं मिले दोबारा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी आप लोग के ज़्यादा सपोर्ट में नहीं रहते? नहीं सर। ठीक है, अब हम और लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह का पार्षद है यहाँ के। तो आप बताएंगे, आपके जो यहाँ के पार्षद है भरत जी, वो किस, उन्होंने कितना काम किया है आपके वार्ड के लिए? बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया है? क्या बढ़िया काम किया उन्होंने? सब सफाई वफाई होती है हमारे इधर, क्या, और पूरा मार्केट देखभाल होता है। कितनी बार सफाई होती है? दिन में कम से कम 2 बार तो होती है। 2 बार सफाई होती है? हाँ। और उनका व्यवहार आप लोगों के साथ कैसा है? बढ़िया 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 व्यवहार। हाँ, अगर आप उनके पास मिलने जाते हैं तो वो आपको समय देते हैं या नहीं देते? देते देते रोड समय देते? हाँ देते। रोड टूटा बहन पार्षद राज्य में देखो, ये रोड वोड टूटे बहन कोई सुनता ही नहीं है हमारी। 10 जनों को बोल दिया आओ आओ वोट मांगने को, तो हाथ जोड़ने आ जाते हैं। सब रोड टूटा है बताएंगे जरा? ये देखो, ये सब पूरे टूटे हुए, आओ देखो। ये देखते हैं ये किस रोड के बारे में बात कर रहे हैं। पार्षदों को बुलाते कोई आता ही नहीं है, ये यहाँ से बच्चे गिरते हैं, गाड़ियों में गिरते हैं लोग, बाग क्या करें, किसको रोएगा। तो आपके, आपने इस रोड के बारे में इनको बताया नहीं? एक बार बोला है, 10 बार, एक बार नहीं 10 बार बोला है। उधर देख लो ना आप, क्लिप्स लेना, ये देखो यहाँ खड्डे वहाँ खड्डे, कोई सुनता ही नहीं हमारी, कोई काट कट कर। तो हम लोग देख सकते हैं कि सड़क में काफी खड्डे हैं। स्पीड ब्रेकर हटा रहा है, सुनो आपके बेड़े में क्या कहना चाहते हैं? ये एक दुकानदार है, हम इनसे भी पता करते हैं क्योंकि ये इसी वार्ड के दुकानदार है, इन्होंने पूरे 5 साल देखा है कि जो वार्ड पार्षद है उन्होंने क्या कार्य किया है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए भैया कि भाई साहब, 5 साल में आपके वार्ड पार्षद का किस तरह का समय रहा है? 5 साल में एक बार सड़क बनी थी, वो 1 महीने में टूट गई है सड़कें, आप सामने देख रहे हो खड्डे खड्डे हैं सब जगह। और इसके अलावा अगर हम बात करें सड़क के अलावा, सफाई व्यवस्था किस तरह की है? सफाई व्यवस्था तो लगभग ठीक है, लगभग ठीक है। अच्छा, हाँ। आते हैं आपके वार्ड पार्षद यहाँ पर? वार्ड पार्षद आते हैं, मिलना होता है उनसे? डेली तो नहीं आते हैं, मगर ये महीने में 1-2 बार आते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई समस्या होती है तो उनको बताते हैं? उनको बताते हैं, उसका समाधान करते हैं? बिल्कुल करते हैं, करते रहो। ये रोड वोड नहीं बने 5 साल से? फिर रोड नहीं बने, मगर वो बनाते नहीं क्या? कभी वो तो ये कहते हैं हाँ बनवाएंगे, हाँ बनवाएंगे, आश्वासन देते हैं भाई साहब। तो और लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हम लेते हैं एक ब्रेक। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. Yahan koi madad to karne aate nahi hai. Sirf yahan vote mangne aa jaate hai. Kuch dekhbhal koi madad karte bhi nahi hai hamari, bas. ऐसे छोड़ के चले जाते, वोट मांगो वोट लेने आ जाती है, बाकी कुछ नहीं करते हैं। सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है? मतलब सफाई भी ज्यादा नहीं होती है यहाँ पे, गंदी वगैरह, हाँ नाली वगैरह सब गंदा ही रहता है यहाँ पे। सुनने में आया है कि वो कई लोग कई बार मिलने भी आते हैं, आपसे मिलने नहीं आते आपके वार्ड में? नहीं आते हैं बिल्कुल भी वार्ड में। तो हम वार्ड 13 में पहुंच चुके हैं और वार्ड 13 के वार्ड वासियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि कैसा 5 साल का कार्यकाल रहा है यहाँ के पार्षद का। इसी संदर्भ में कई लोगों ने हमको बोला है कि यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सड़क में जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ के कुछ दुकानदार हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या स्थिति रही है 5 साल में वार्ड पार्षद की। यहाँ पे भैया रोड की बहुत हालत ख़राब है, जो हम कई बार कह चुके हैं। आज भी मेरे हमारे पार्षद हैं जो भरत ढोलखेड़े, जिससे आज भी बात हुई है, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है जो कि जल्दी बन जाएगा। देखें अब कब हमको वो मिलती है इन खड्डों से निजात। कितनी बार आप दे चुके हैं उनको ज्ञापन इस संदर्भ में? कई बार बोल चुके हैं सर, हम कई बार बोल चुके हैं। लिखित में आपने उनको बताया है क्या? नहीं, लिखित में नहीं, हमारे पीछे ही रहते हैं तो हम बार बार उनके पास जाते हैं या कहीं से निकलते हैं तो हम उनको कहते रहते हैं। सफाई व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड की? सफाई व्यवस्था फिर भी ठीक ठीक है सर। और जो आपके पार्षद हैं वो अगर आप उनके पास कोई समस्या लेके जाते हैं तो कितनी जल्दी उस चीज़ का समाधान हो जाता है? नहीं, आश्वासन तो बहुत तरीके से देते हैं और बाकी तो काम आप निगम के देख रहे हैं। देते हैं, काम नहीं होता है सर, काम बहुत डिले होता है सर, काम डिले होता है, बहुत डिले होता है। और सफाई व्यवस्था बाकी नालियों वगैरह की क्या स्थिति है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ के जो सफाई कर्मचारी जो आते हैं ना वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं जो भी। और आप बताइए कि कैसा है आपके वार्ड पार्षद का 5 साल का कार्यकाल? काम तो बहुत बढ़िया, बस यही है खड्डे खोपचे हैं जो इसको सही हो जाए बस, बाकी बहुत और कुछ नहीं है। बाकी जो हमारी ये जो है ब्रेकर व्रेकर है, जो सारे छेद वहाँ से वहाँ तक खड्डे खोपचे हैं वो सारे बंद हो जाए, बस यही वाली चाहिए। मेन आपकी समस्या है कि सड़कें नहीं, सड़कें खराब हो रही छेड़ तक छेड़ तक, ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा ही खराब है। इससे भी आप खुद नोट कर लीजिए स्थिति क्या हो रही है खड्डे खोपचों की। बाकी उनका जो कार्यकाल 5 साल का रहा है वो सब बेहतर, सब बेहतर, सब बहुत बढ़िया सब, बाकी सब बढ़िया है। हमारा साफ सफाई बहुत अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, बाकी कोई समस्या नहीं है। बस यही समस्या हो रही है अभी साफ सफाई की, खड्डे खोपचे की हो रही है, जो रोज एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो रहा है इस चक्कर में, ब्रेक चक्कर में, और कुछ नहीं। चलिए हम और लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। वार्ड नंबर 13 में और साथ में है यहीं के वार्ड वॉसी, हम जानेंगे इनसे कि कैसा रहा वार्ड पार्षद का 5 साल का कार्यकाल। देखिए जी, पिछले 5 साल में हमारे वार्ड पार्षद जो है बिल्कुल इधर आकर के दर्शन ही नहीं दिए, और हमारे वार्ड में हरिजन बस्ती में खास करके ट्रामबे स्टेशन पर बिल्कुल भी काम नहीं करवाया। जब जब भी उनसे काम की कही हाँ करके, रास्ते में जब मिलते थे हाँ करके निकल जाते थे, और वार्ड में कोई भी काम होता उनको बुलाने की हम कहते हैं। आज दिन तक मतलब ये 5 साल पूरे होने को आए, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड बन रही है, इस रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही आप देख लो ना, ये यहाँ सामने से शुरू हुई है, जो हम कह रहे हैं साहब ये आगे ये पाइपलाइन टूटी थी यहाँ पर, ये आपके दिखाओ यहाँ पीछे ये पाइपलाइन टूटी मैंने कहा यहाँ से आप चालू करो, और यहाँ से चालू नहीं करके और यहाँ से चालू की है, और जगह जगह ये टूटी पड़ी है सड़क, और यही रोड है जो पीर रोड के आगे जाने का है, उर्स मेला आने सर के ऊपर है, चालू है उर्स मेला, और उर्स मेला चालू होने के बावजूद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसी रोड से काफ़ी जायरीन आते जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मेला सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्यों कि बरसाती नाले भी हैं तो यहाँ दिखावटी आगे आगे तक खाली कर लेते हैं, ऊपर पहाड़ी तक इलाका है, ऊपर के नाले खाली नहीं होते, एक भी काम नहीं था, पूरा नाला भरे हुआ टेढ़ तक, रात को भी लेके आए हम 3-4 बार, भारत को लेके आया हूँ मैं, बोलता आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसे करते करते आज पूरा 3 महीने हो गए। तो अगर आप उनके पास गए, आपने उनको बोला और आप बोला ना, मैंने बोला ये आप भारत को, मैं बोलता हूँ ना, जितनी बार भी गए हाँ, बात नहीं सुनी। आप देखिए नाला पूरा भरा पड़ा, पूरी गंदगी भरी पड़ी है नाले के अंदर, कोई सफाई नहीं है किसी प्रकार के भी। दूसरी बात ये लाइन डालने की, पानी कभी तो पानी लाइन नहीं डली, ये खाड़ा खोदा हुआ लाइन डलने के लिए, अभी तक लाइन नहीं डली है काम तो। और यहाँ देखो पूरी लाइन को तोड़ के पानी भर रखा, इसका कोई देखने वाला नहीं है, पूरा पानी बहता पूरा, कोई देखने वाला नहीं है। पार्षद खाली नाम का खाली 4 दिन के लिए आया यहाँ पे दिखावट के लिए, 4 दिन के लिए आया यहाँ रोड के ऊपर। आप थोड़ा आगे चलो, थोड़ा वहाँ कैमरा दिखाओ आप, आपको मालूम पड़ जाएगा, नई टंकी यहाँ के इस बस्ती के पानी के लिए बनी है, उस टंकी का पानी पूरा रोड के ऊपर बहता रहता है, और उस पाइपलाइन को हमारे यहाँ पर बजाय सप्लाई करने के ऊपर मोमडन एरिया में घुमा दिया है। कई लोग कह रहे हैं आपके वार्ड के ही, कई लोग कह रहे हैं कि उनका आना जाना होता है, सफाई व्यवस्था उस तरफ चलती है, तो क्या ऐसा है कि उस तरफ सफाई व्यवस्था चलती है? देखो ये सफाई व्यवस्था चलती है रेगर बस्ती में और सिंधी बस्ती में, रेगर बस्ती में सिंधी बस्ती में ये इधर होती है, हमारे इधर हरिजन बस्ती में नहीं होती है, हमारे इधर तो वो आता ही नहीं है। वार्ड पार्षद कोई सफाई कर्मचारी नहीं जाता, खाली रोड की सफाई होती है, बाहर अंदर नहीं जाते कोई भी, हरिजन अंदर कुछ भी नहीं जाता, आज भी हम खुद नाली निकालते हैं,
आप लोग खाली रोड की सफाई होती है, अंदर जाइए पूरे नाले की पूछिए। ऊपर साइड में बहुत सारी गंदगी हो रही, मेहमान पावना आते नहीं, सड़रा भयंकर उधर। हाँ इधर जाकर एक बार देखो, ऐसे बदबू रही, कीड़े मकोड़ा, दुनिया भर के बच्चे बीमार हो रहे हैं उनकी वजह से। और आपकी कोई पार्षद भी चुनेंगे ना तो यहाँ पे एक भी वोट नहीं मिलेगा बस्ती में किसी को भी, ना कांग्रेस ही हो या बीजेपी हो, किसी को भी नहीं मिलेगा वोट। तो ये है यहाँ के इस वार्ड 13 के वार्ड वासी जो परेशान है शायद यहाँ के। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर हमारे वार्ड 13 में ये टंकी बनाई गई है लेकिन हमारे ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हम वही मशीनें लगाते हैं और 300 फुट पाइप लगाते हैं हम, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं इस टंकी बनाने का। दिक्कत है मतलब? हाँ दिक्कत भी है, दो दो मशीनें लगाते और 300 फुट पानी पाइप बिछाते हम, जब जाके पानी चढ़ता है हमारा कोई मतलब नहीं इस टंकी बनाने को, कोई फायदा नहीं हमको बीजेपी सरकार से और किसी से भी, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ क्लियर, एक घर में पानी भरने के लिए दो मशीन हमें लगानी पड़ती है तब अपने घर में जाकर के पानी पहुँचता है साहब। और कायदे से ये जो ये बनी है टंकी, ये इसी बस्ती के लिए बनी है और इसका पानी आगे सप्लाई कर दिया। और यहाँ पर जगह जगह ये पाइप खोद रखे हैं, अनऑथोराइज खोद रखे हैं, इसके कारण हमारे पानी नहीं आता है। एक एक घर के चार चार पाइपलाइन डाल रखे हैं और हम जो बिल भरते हैं, हमारे कनेक्शन है, हमने बिल वो कनेक्शन ले रखे हैं, हमारे पानी नहीं आता है। और अनऑथोराइज जो है उन्होंने वो खड्डे खोद रखे हैं। हम और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें समस्याएँ हैं वार्ड पार्षद से, हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी नज़रिए में, क्योंकि संभवतः नज़रिए सबका अलग अलग होता है, उनके नज़रिए में यहाँ के जो वार्ड पार्षद है भरत जी, उनकी क्या स्थिति रही है, उनका कैसा रहा है 5 साल का कार्यकाल? मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। सर हमने तो कितनी शिकायतें कर ली, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी के लिए भी कई बार बोल दिया, रोड के लिए बोल दिया, अनसुनी हो ही जा रही है, मालूम नहीं है कुछ होना कि नहीं होना है। पर आपका है यहाँ पर रोड का तो बनना शुरू हो चुका है? हाँ सर रोड का तो हुआ है, हमने खुद एप्लीकेशन लगाई थी तभी हुआ है, वैसे तो ध्यान ही नहीं दिया था इन्होंने। 5 साल तक नहीं हुआ, अभी काम शुरू हुआ? हाँ अभी शुरू हुआ है। और जब आप उनके पास जाते हैं, आप वार्ड पार्षद के पास जाते हैं, उस समय क्या स्थिति रहती है? वो तो बोले करवा देंगे, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। हम 300 फुट पाइप बिछा रहे हैं, दो दो मशीन लगा रहे हैं, तो टंकी बनाने का मतलब ही क्या है हमारा? पानी की समस्या है, सड़क की समस्या बता रहे हैं, सफाई की व्यवस्था जो है खराब है ऐसी व्यवस्था बता रहे हैं, और भी लोगों से जानते हैं। भैया आपका क्या? आज ही भैया बात ऐसी है कि जैसे ये रोड बनाना आज तो भी इसका जो पावर हाउस है इसके कारण बना, और आप ऊपर की देख सकते हो पूरी समस्या पूरी खराब हो रखी है, और ऊपर और देख लो क्या नालियाँ भी ढंग की नहीं है, पूरी सब कुछ खराब हो रखी है पूरी व्यवस्था क्या। तो इस बार जब इलेक्शन हो रहे हैं, इस बार इलेक्शन होंगे अभी, तो भरत जी का वापिस आना संभव है? अरे वो कुछ भी नहीं संभव, तो बात ऐसी जो इलेक्शन जैसे पास में आ रहे हैं ना भाई साहब, तो वो इस कारण ही काम करवा रहे हैं कि दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने ये बनाई है रोड सड़कें सब बढ़िया, ये आप देखो वहाँ से बना दिए, देखो सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है, वो पावर हाउस है इस कारण वो पूरा मेन रोड ये खेला था इसलिए बनी है वो वहाँ पे सड़क। ज्यादा तो क्या ये यहाँ से ये चालू करी ना सड़क, हमने कहा था इस ये अटना भाई साहब ये हैंडपंप का जो है ये घेरा बना दे, वो यहाँ पर पानी रोड के ऊपर जाता, आप इधर देखो ये हैंडपंप का पानी रोड के ऊपर जाता है, ये इधर मिडिल स्कूल है बच्चों की, स्कूल आते जाते हैं बच्चे और इसका पानी सारा सड़क के ऊपर बहता है। यहाँ पर कुछ हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनकी नज़र में वार्ड पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा है, और इनसे ज़रा बात करते हैं कि आपके जो वार्ड पार्षद है उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? अच्छा ही है। सही रहा आपकी नज़र में? हाँ। सफाई व्यवस्था कैसी रही? सही है। ये कुछ मातृशक्ति और बैठी है, उनसे भी हम बात करते हैं। नाले भी तो भरे हुए हैं, इधर खड्डे हुए हैं। तो आपके जो वार्ड पार्षद है उनको 5 साल का कार्यकाल किस तरह से रहा है? अब मैं तो कौन जानू भाई, पास आस्थान है तो भाई, मैं तो नाला की खड्डा कीरिया की खेरी है भाई, नाला सही नहीं है, ये देखो ना भरे ना, आप ही देखो ना सर। हाँ खड्डा भी है बेटा, गंदगी भी हो रही है,
और खड्डा भी हो रहा है। ये है जिस नाले के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरा खुला नाला है और हम लोग भी देख सकते हैं कि ये किस तरह का नाला है। और वास्तव में अगर हम देखें तो ये काफ़ी इसकी स्थिति दयनीय है और जानवर भी यहाँ विचरण कर रहे हैं, वास्तव में स्थिति दयनीय है। हम और बात करेंगे, उससे पहले हम और लोगों से पूछे, वार्ड वासियों से, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। इधर देख रहे हो कितनी गंदगी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं और बीमारी का कारण बना हुआ है। टाइम पे साफ सफाई होती नहीं है, पानी है जो पानी का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आता है और नाले के अंदर उतर उतर के पानी भरना पड़ता है। तो आपने इस गंदगी के बारे में अपने वार्ड पार्षद को कितनी बार कह दिया कि यहाँ पर गंदगी हो रही है? वो खुद आके देख के जाते हैं ना, हमने बोला तो नहीं, उनको गंदा पानी भी आता है, वो खुद आते हैं नज़र मार के जाते हैं। ये पानी है अभी जस्ट ये पानी आ रहा, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो ये पानी आपका जो मेन सप्लाई का, हाँ सप्लाई का मेन ये आ रहा। अब ये पता नहीं है, प्रेशर भी नहीं आता पानी का, प्रेशर भी नहीं। अभी तो फिर भी सर्दी है, बिसलपुर भरा हुआ है, फिर भी ये पोजीशन है, गर्मी में क्या हाल होगा। माता जी आप बताइए कि आपके जो वार्ड पार्षद हैं उनकी, वो आपके लिए मतलब कैसा रहा है उनका 5 साल का? सफाई व्यवस्था जैसे दिख रही है ऐसी रहती है? हमेशा ऐसे रहती है ना, कभी कचरा हटता ही नहीं है यहाँ से, गंदगी तो ऐसे कैसे रहती है, आते तो जीव खराब हो जाता है, बदबू आती है, क्या करें। पानी के बारे में बता रहे हैं और आपको तो आपको तो खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी भी तो देखो नहीं, अब क्या करें, गंदा आवे तो भी इसको काम में ले रही है, क्या करें, मोटर चला के तो पानी लेना पड़ता है, ये सर आवे नहीं तो क्या करें। तो आपका जब खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं तो क्या इतने गंदे पानी का उपयोग करते हैं, कैसी ऐसे चाल चूल के लेते हैं काम में? जब गर्मी में जब ज्यादा किल्लत थी ना, जब जाके बात करी मगर कोई सुनते नहीं है, बोले आगे से पानी नहीं आता, क्या करें। कई लोग कह रहे हैं आगे की वहाँ पर सफाई व्यवस्था अच्छी रहती है, क्या कारण है कि वहाँ पर सफाई व्यवस्था अच्छी रहती है? वो मेन रोड है इसलिए ज्यादा व्यवस्था सही रहती है, अभी आउटसाइड पड़ जाता कोई आता नहीं है, अधिकारी वगैरह भी वहाँ से आके निकल जाते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ के। और आप नल भी देख लो, ये नाले में पाइपलाइन डली हुई है आपके सामने, कितना गंदा पानी आता है। ये कुछ और स्थितियाँ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाइप देखो, ये मेन पाइपलाइन डली हुई है, इसमें जगह जगह होल हो रखे हैं, अब इस गंदे पानी में से ऑटोमेटिक ही गंदा पानी आएगा। ये आप पाइप देख लो, ये नाला भरा पड़ा इस गंदे नाले पानी में और फिर भी प्रेशर नहीं आता, गंदा पानी तो आता ही है। और पानी की दो दो टंकियाँ बनी हुई है, एक इधर है एक उधर है, तीन सप्लाई। तो ये भी स्थिति है इस वार्ड की, हम लोग भी देख सकते हैं, मुझे खुद को चलने में दिक्कत हो रही है। तो ये स्थिति है वार्ड नंबर 13 की और हम और आगे चलते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये हैंडपम्प है चालू नहीं है? नहीं बंद पड़ा सर, चालू नहीं है। हैंडपम्प के लिए 500 दफे एप्लीकेशन दे दी, ये वाटर वर्क्स वाले बोलते हैं कि ये उधर पानी है ही नहीं, उधर नया रिपेयर हो गया नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता यहाँ पर, इतनी बड़ी बस्ती है, कम पानी आता है इसका, कुछ भी नहीं आता। तो ये नई पुलिया बनाई गई है, ये भी कल ही खत्म हुआ काम, आज अम्मा से छुट्टी है और ये देखो स्टेप कैसे बना के गया है, तो कोई साफ सफाई नहीं करके गया, कोई महिला है कोई बुजुर्ग है, ये अभी ताज़ा का ताज़ा काम है, कल का ही काम, आज अम्मा से छुट्टी है और कुछ सही बना नहीं है बिल्कुल है। यहाँ के वार्ड वासी बता रहे हैं कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम और आगे चलते हैं, देखते हैं कि बाकी इलाके में बाकी वार्ड में कैसी स्थिति आई है। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर।